करना चाहिए और पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, एक कहावत। हाय एवरीवन, सो अभी पहुंचे हैं हम लोग विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेला का कुछ व्यू पॉइंट आपको दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड है। आपको मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर मात्र खाली पुष्प की भांति मन को प्रवचन हो रहा है। और जब मन की पुष्प मन को पुष्प की भांति भगवान को अर्पण कर देंगे तो स्वतः ही आप मोक्ष के भागी हो जाएंगे। उसी को आचार्य लोग शरणागति कहते हैं। जब तक आप गुरु नहीं बनाते, गुरु बनाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात, मार्गदर्शक होना चाहिए। मन माना किया गया आचरण किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता, इसीलिए गुरु को अवश्य बनाना चाहिए। और पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, एक कहावत। पानी हमेशा छान के पीना चाहिए और गुरु हमेशा पहले ही अपना परीक्षण कर ले। गुरु ही विष्णु है निश्चित, हर सत्य में एव लगा दिया। एव निश्चयात्मक, व्याकरण के दृष्टि से एव शब्द का प्रयोग निश्चयात्मक में किया जाता है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है तभी हम इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। आजकल तो सभी बोलते हैं, हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। पर लेकिन कभी नहीं मान पाता, मन भी नहीं मान पाता हमारा कि हम इनको अपना माता पिता मान लिया। हम अपने माता पिता को ही माता पिता मानते, पर वो भी जब तक स्वार्थ है। भगवान को भी अपना तब तक मानते जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है। यदि आप स्वार्थ को लेकर के भगवान से जुड़ रहे हैं तो आगे चलती है, पर क्षण मात्र के कर्म कांड से, क्षण मात्र के आप ज्ञान कांड से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। जब कभी भी आप जाए, क्योंकि तीर्थ देवता कौन होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं। उसी तरह भगवान हमारे पिता माता वो हमको वही वस्तु देते हैं जिससे हमारा कल्याण। सो इस गली से आप सूर्यकुंड निकल जाओगे। वाह, सुंदर तरीके से अभी इसको सजाया गया है और लाइटनिंग बहुत ही, देख रहे हो कितना जगमग लग रहा है। यहाँ पर छठ के समय पे बिल्कुल क्राउडेड होता है, बिल्कुल भरा होता है। मैंने पिछले, आप देखोगे मेरे चैनल पे एक वीडियो भी बना हुआ है इसका सेपरेटली अलग से इसके बारे में। ये देखो फ्रेंड्स, रबर डैम, काफ़ी भीड़ बढ़ जाने के कारण फिलहाल शाम के संध्या 5 बजे से लेके प्रातः 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। ये देखो वहाँ पे कुछ लोग जो है आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं प्रशासन से ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब उनको ऐसा समझाया जा रहा है कि हाँ अभी बंद है, क्योंकि बहुत लोग जो है उनको पता नहीं है कि ये चीज़ अलाउ किया गया है। अभी कुछ दिनों से पहुँचे हैं रबर डैम के अपोजिट साइड में, क्योंकि रबर डैम का फ्रंट साइड तो आप लोग बहुत देख लिए। ये देखो अपोजिट साइड इसका पानी का बहाव, और ये मनसरोवर नाला का भी बहाव है ना, यहाँ पे नाला से भी हो सकता है पानी निकल रहा हो। हाँ, नाला वाला ही पानी है ये। ये देखो नाला का पानी आगे ला के छोड़ दिया जा रहा है।